दोस्तों, बीते जमाने की एक्ट्रेस योगिता बाली का जन्म 13 अगस्त 1952 को हुआ था। योगिता ने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने के लिए अपने पहले पति किशोर कुमार को तलाक दे दिया था। किशोर और योगिता की शादी मात्र 2 साल तक ही चल पाई थी। इसके बाद उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से शादी रचाई। दोस्तों, किशोर कुमार ने एक नहीं बल्कि 4-4 शादियां की थी। उनमें से एक शादी तो मजाक मजाक में हो गई थी। उनकी ये शादी खूब सुर्खियों में रही। बता दें कि उनकी ये शादी एक्ट्रेस योगिता बाली से हुई थी। योगिता बाली 70 और 80 के दशक की ऐसी हीरोइन थी जिनके न सिर्फ काम से सभी प्रभावित थे बल्कि उनकी खूबसूरती भी लोगों के दिलों पर छुर्रियां चलाती थी। घर का ये आंचल चढ़ती जवानी। दोस्तों, योगिता बाली को करियर में वो सब मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। डेब्यू फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे स्टार का साथ मिला तो साथ ही उस दौर के सुपरस्टार रहे शत्रुघ्न सिन्हा, देवानंद और संजीव कुमार के साथ भी योगिता बाली ने काम किया। मत बांधो मेरा गीत महक। लेकिन उनकी जिंदगी में जैसे ही किशोर कुमार की एंट्री हुई तो मानो सब कुछ बदल गया। किशोर कुमार के साथ योगिता बाली ने कई फिल्मों में काम किया जिन्हें खूब सराहा भी गया। काम करने के दौरान ही वो किशोर कुमार को दिल दे बैठी थी। ओ, मैंने तो ये जाना, तू है तो जमाना, बिना तेरे नहीं रह। योगिता बाली किशोर कुमार के प्यार में इस कदर दीवानी हुई कि जल्द ही उनसे शादी भी कर ली। तू बोल ना बोल, बस रहे मेरे कोल। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि धीरे धीरे किशोर कुमार और योगिता बाली के बीच अनबन की खबरें आने लगी और फिर वो वक्त भी आ गया कि जब दोनों अलग अलग हो गए। किशोर कुमार के साथ योगिता बाली की शादी सिर्फ 2 साल ही चली। अब किशोर कुमार के साथ अपने रिश्ते को लेकर योगिता गंभीर थी या नहीं ये तो वही जाने। लेकिन एक इंटरव्यू में किशोर कुमार ने खुलासा करते हुए कहा था कि योगिता बाली के साथ उनकी शादी सिर्फ एक मजाक थी और शादी के बाद उन्होंने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। दोनों का तलाक हो गया पर शायद योगिता बाली को इसका जरा भी मलाल नहीं हुआ क्योंकि तलाक के 1 साल बाद ही वो मिथुन चक्रवर्ती को अपना दिल दे बैठी और उनसे ही शादी कर ली। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने के लिए ही योगिता बाली ने किशोर कुमार को तलाक दिया था। सुनो सुनो एक बात कहूँ, कहो जितिया मैं सुनती। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने के बाद योगिता बाली ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। आँखों में मोहब्बत में बड़ा काम किया है पर मेरे यार दिल जो न होता। तुम चले प्यार के सफर में हम सफल बन चले। लेकिन साल 1989 में उन्होंने पूरी तरह से फिल्मों को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की महान अभिनेत्री योगिता बाली कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।